देखिए, आज 5 साल तो मुकम्मल हो गए हैं उस वक्त को कि जब जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, डेमोक्रेसी, पीपल्स राइट्स का बेईमाना कत्ल किया गया। तो यूं कह लीजिए कि आज हम 5वीं बरसी मना रहे हैं जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, मॉरालिटी का, एथिक्स का, पीपल्स राइट्स का, डेमोक्रेसी का। यूजुअली ऐसा होता है कि जो सरकारें 1 साल 2 साल पावर में मुकम्मल करती हैं तो वो अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि जी हमने ये अचीव किया है। और चूंकि जो करंट डिस्पेंसेशन है बीजेपी आरएसएस की, जो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर गवर्न हो रही है, उनके पास सिवाय इसके कि उन्होंने जो जख्म पहुँचाया है यहाँ के आवाम का, उनके पास और कुछ कहने को है नहीं। उनको पता है उनके अपने झूठ के पुलिंदे क्या है। तो हमने सोचा कि उनको हम ज़रा सा आईना दिखाएं और ये पॉइंट आउट करें कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया है। तो सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट है उनके हिसाब से, वो ये है कि यहाँ के लोगों की जो आवाज़ है उसको मज़ल करना, यहाँ के लोगों के जो हकूक हैं उनको छीनना, वो डेमोक्रेटिक हों, पॉलिटिकल हों, कॉन्स्टिट्यूशनल हों, और यहाँ आम आवाम की कमर तोड़ देना। यहाँ कोई बात करने की पोजीशन में नहीं, बात करता है तो जेल पहुँचता है, चाहे वो आम इंसान हो, सिविलियन हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, यहाँ तक कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो भी बात नहीं करता। आपको पता होगा कि हमारे कितने रिलीजियस स्कॉलर्स जेलों में बंद हैं। अभी रिसेंटली रहमता साहब को भी एनआईए ने बुलाया। तो ये सारे अजायम हैं, दिस इज़ फंडामेंटल इनके हिसाब से जो इनकी अचीवमेंट है, कि लोगों का जो हक है वो उनसे छीन लेना। उसके बाद आप देखिए कि ये अक्सर बोला करते थे कि जी हमने जम्मू कश्मीर की जो कोर प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसी के चक्कर में यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। अब जब वो सब इन्होंने कर दिया गैर कानूनी और गैर आइनी तौर से, आज इनके दौर में हमारी हालत ये है कि हम रिसेंट जो डेटा है उसके हिसाब से पूरे मुल्क में 3rd नंबर पर पहुँच गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। एक डेटा के हिसाब से तो कुछ देर पहले हम 1 पे भी थे। ड्रग्स, एक रिपोर्ट जो रिसेंट आई है फरवरी में, उसके हिसाब से सिर्फ कश्मीर में 70,000 लोग जो आइडेंटिफाइड हैं ड्रग अब्यूज़र्स हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो उन आदादोशुमार में आते नहीं क्योंकि पता नहीं है लोगों को। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जो हाल है वो आपको पता है। इनकी जो एजेंसियाँ हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने 5 अभी तक प्रोसेस किए, सब की सब स्कैम निकली, हर जगह करप्शन। क्या किया इन्होंने? और हमें तो खदशा है कि वो स्कैम्स भी जानबूझ के इन्होंने इसलिए किए ताकि स्कैम हो, फिर कोर्ट केस बने और उसके बाद कोई नौकरी ना मिले किसी यहाँ के नौजवान को। हमारे नौजवान वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, वो अभी भी महीनों से धरने पे बैठे। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिनको कई स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। इनको जिद है कि नहीं हमें इसी को ये प्रोसेसेस देनी है। तो ये ईगो का मसला है या ये इनके कॉफर्स भरे जा रहे हैं? आप देखिए कि आज बेसिक्स की अगर हम बात करें, एमिनिटीज़ की, बिजली पानी, आप देखिए बिजली का क्या हाल है। पहले बोलते थे कि विंटर्स में प्रोडक्शन कम होती है इसलिए अवेलेबिलिटी कम होती है, लेकिन आज समर में जबकि हम अक्सर बेहतर सप्लाई होती थी, आज देखिए कितना क्राइसिस है। इसी तरह पीने के पानी का जो क्राइसिस है, ये बेसिक्स हैं। बिजली आप दे नहीं सकते लेकिन आप स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों का जीना दो भर करेंगे। बिजली आप सप्लाई नहीं करेंगे लेकिन फीस आप 4 गुना लेंगे। तो ये हैं इनकी गवर्नेंस की अचीवमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके इनकी अचीवमेंट्स, यहाँ के लोगों के राइट्स को लेके इनकी अचीवमेंट्स। और सबसे अहम ये बात है कि ये डरे हुए लोग हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी मुल्क में जब कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई प्राइज जीतता है तो पूरा मुल्क उस पर फख्र करता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। हमारी एक बच्ची जर्नलिज्म में पुलित्जर प्राइज जीत लेती है सिवाय बजाय इसके कि उस पर ये लोग फख्र करते, जब वो लेने जाती है तो उसको दिल्ली के एयरपोर्ट पर रोका जाता है, जाने नहीं देता। इसी तरह लोगों को एयरपोर्ट्स पे जर्नलिस्ट हों, रिसर्चर्स हों, स्टूडेंट्स हों, कई केसेस ऐसे सामने आए हैं। तो किससे डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो झूठ के पुलंदे उन्होंने बांधे हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग अब्यूज़ और पानी और बिजली जैसी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इतना कोलोसल फेलियर है। और इनकी मेंटेलिटी ये है कि हमें यहाँ की इकोनॉमी को भी ख़त्म करना है और ये सब चीज़ें भी करनी है ताकि ये जो
जम्मू कश्मीर का आवाम है इनकी हालत ख़राब से ख़राब तर हो, क्योंकि इनके लिए ईगो का मसला है, सैडिस्टिक प्लेजर लेना चाहते हैं इसमें से। और हॉर्टिकल्चर हो, उसका जो हाल है वो आपने देखा। तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त जो है उस पर किस तरह के हमले हैं, ये सब एक माइंडसेट की अक्कासी करते हैं। तो आज चूंकि 5 साल डायरेक्ट रूल के हुए हैं, तो हमने सोचा कि ये सब चीज़ें इनको पॉइंट आउट करें, और साथ ही हम जम्मू कश्मीर के आवाम की को भी बहुत सराहना करते हैं कि इन मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ये ज़रूरी नहीं कि वो सड़क पे नहीं आ पाए तो इसका मतलब है कि उनके दिलों में ऐसा कुछ नहीं है कि वो इसके ख़िलाफ़ नहीं है। ये कब्रिस्तान की खामोशी है, जहाँ हर कनपट्टी पे एक बंदूक रखी गई है। बात करना यहाँ जुर्म बन गया है, आप बात करेंगे आप जेल पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में ये गलत फहमी पालना कि लोग इजहार नहीं कर रहे हैं तो उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे लगता है ये सही असेसमेंट नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारी पार्टी, हमारी कायदा मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर के आवाम के हकूक के लिए और उनकी जज्बात की तर्जुमानी के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलात हों उनके बावजूद बात करती रहेंगी, और ये पार्टी अपने जो आवाम हैं उनके जज्बात और एहसास की तर्जुमानी करती।